हेलो एंड वेलकम ऑल। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम कर रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। तो इसके हमने 19 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका 20th पार्ट करेंगे। 20th पार्ट में आज हम टॉपिक देखने वाले हैं वाटर सप्लाई के बारे में। वाटर सप्लाई होता क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं पहले वाटर सप्लाई की एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसकी जो पिक्चर है वो हम देखेंगे, ठीक है? तो वाटर सप्लाई की अगर हम बात करें तो सिंपली वाटर सप्लाई का मतलब होता है पानी को सप्लाई करना, ठीक है? जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे पानी का सोर्स है, ठीक है? यहाँ पे पानी का सोर्स है जहाँ से हम पानी ला सकते हैं, जैसे कि कोई रिवर है या फिर कोई पॉन्ड है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास कुछ घर हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4 कुछ घर हैं। तो यहाँ से इन घरों तक पानी पहुंचाना, ठीक है, इन घरों को पानी देना सब घरों को, उसको हम बोलते हैं वाटर सप्लाई, ठीक है? मतलब सिंपली वाटर को सप्लाई करना फ्रॉम द सोर्स से, ठीक है? वो कैसे सप्लाई करते हैं, उसका एक तरीका होता है, वो भी हम आगे देखेंगे क्या तरीका होता है, ठीक है? लेकिन वाटर सप्लाई का मतलब होता है प्रोविजन ऑफ वाटर, यानी सप्लाइंग ऑफ वाटर फ्रॉम द सोर्स टू देयर हाउसेस आर देयर इंडिविजुअल, हम बोल सकते हैं फादर वर्कर, किसी भी चीज के लिए हम पानी को सप्लाई करते हैं, ठीक है? जैसे कि हम डेफिनेशन देखें, वाटर सप्लाई इज द प्रोविजन ऑफ वाटर, ठीक है? प्रोविजन ऑफ वाटर मतलब पानी को प्रोवाइड करना बाय पब्लिक यूटिलिटीज। पब्लिक यूटिलिटीज प्रोवाइड करती है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो पानी को प्रोवाइड करती हैं, कम्युनिटी एंडेवर जो रहता है उसकी थ्रू, यानी कि इंडिविजुअल के थ्रू भी हम पानी जो है सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें हम पंप्स एंड पाइप्स का यूज करते हैं वाटर सप्लाई सिस्टम में, ठीक है? पंप्स एंड पाइप्स का, मोस्टली पंप्स एंड पाइप्स यूज होते हैं, और भी काफी सारी फिटिंग्स यूज होती हैं, लेकिन पंप्स एंड पाइप्स हमारे पास यहाँ पे यूज होती हैं, ठीक है? इसके कंपोनेंट्स की बात करें, कौन कौन से कंपोनेंट हैं वाटर सप्लाई सिस्टम के, वो हमारे पास है सोर्स सक्सेसफुल। तो सोर्स मतलब जहाँ पे, जहाँ से हमने पानी लाना होता है, जैसे कोई रिवर आ गया, पॉन्ड आ गया, वो हमारे पास क्या है, सोर्स जहाँ से हमने पानी लाना होता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब पानी सोर्स से हमने पंप करके ट्रीटमेंट प्लांट में लाना होता है, यहाँ से ट्रीट करके हमने भेजना होता है कहाँ पे, इसको स्टोरेज टैंक में या फिर रिजर्वायर में, ठीक है? स्टोरेज टैंक में या फिर रिजर्वायर में हमने इसको सेंड करना होता है ट्रीटमेंट प्लांट से, ताकि हम स्टोरेज टैंक से उसको इजिली सप्लाई कर सके। तो मोस्टली ओवर हेड वाटर टैंक्स बनाए जाते हैं कहाँ पे, प्लेन एरिया में, ताकि हम इजिली ग्रेविटी के थ्रू पानी सप्लाई कर सकें गिवन कम्युनिटी को, ठीक है? तो उसके बाद आगे हमारे पास वाटर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, ये एक सीरियल से ही चलते हैं। पहले सोर्स आता है, फिर ट्रीटमेंट प्लांट आता है, फिर स्टोरेज टैंक का रिजर्वायर आता है, और फिर वाटर ट्रांसमिशन आता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि वाटर सप्लाई क्या होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, किस तरीके से पानी सप्लाई होता है। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। आपको सिंपली क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है, वहां पर लिखना है आरपीएन शर्मा, वहां पर जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसमें नेचुरल रॉ वाटर सोर्सेस, ठीक है? तो नेचुरल रॉ वाटर सोर्सेस में हमारे पास सोर्सेस आ जाते हैं वाटर के, जैसे कि फर्स्ट आ जाता है हमारे पास सरफेस सोर्सेस आ जाते हैं, मतलब जो सरफेस पे ही पानी हमें जो मिलता है देखने को। देन दूसरा आता है सब सरफेस, यानी फिर इसको हम अंडरग्राउंड सोर्सेस भी बोलते हैं। सरफेस सोर्सेस में जैसे कि पॉन्ड आ गए, लेक्स आ गए, सरफेस सोर्सेस में आ जाते हैं, स्ट्रीम्स आ गए, रिवर्स आ गए, स्टोरेज रिजर्वायर आ गए, ये सारे क्या हैं, सरफेस सोर्सेस हैं, ठीक है? अंडरग्राउंड और सब सरफेस सोर्सेस में हमारे पास स्प्रिंग्स आ जाते हैं, फ्रेश ग्राउंड वाटर आ जाता है, ठीक है? अदर वाटर सोर्सेस हैं जैसे कि जहां से हम पानी ला सकते हैं, अदर वाटर सोर्सेस हैं जैसे कि ओशन वाटर रहता है, ठीक है? तो ओशन वाटर रहता है लेकिन ये पीने का काबिल नहीं होता, इसमें साल्ट रहता है, तो इसकी हमें डिसैलिनेशन की जरूरत पड़ती है। देन ब्राकिश वाटर, ब्राकिश वाटर को हम ब्राइन वाटर भी बोलते हैं, तो इसमें भी हमें डिसैलिनेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसमें भी साल्ट प्रेजेंट रहता है, ठीक है? देन वेस्ट वाटर रीयूज, मतलब वेस्ट वाटर है उसको रीयूज करके हम उसको यूज कर सकते हैं। देन वाटर ट्रेडिंग, वाटर ट्रेडिंग मीन्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फ्रेश वाटर एंड वर्चुअल वाटर ट्रेड, ठीक है? जैसे कि हमने बात की थी ब्राकिश वाटर की, तो ब्राकिश और ब्राइनी वाटर क्या रहता है, एक ऐसा वाटर रहता है जिसमें साल्ट रहता है, साल्ट रहता है किससे, फ्रेश वाटर से ज्यादा रहता है लेकिन सी वाटर से कम रहता है, ठीक है? लेकिन सी वाटर से कम रहता है, सबसे ज्यादा साल्ट सी वाटर में रहता है। ब्राकिश और ब्राइनी वाटर में भी साल्ट रहता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं रहता, तो जिसमें भी साल्ट रहता है तो उसमें हमें डिसैलिनेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है?
आई होप यहाँ तक अभी आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं वाटर के, कहाँ कहाँ से हम पानी ला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक वाटर क्वालिटी एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, वाटर क्वालिटी एंड ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो वाटर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसका ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें। वाटर टू बी यूज्ड इन पब्लिक वाटर सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू बी फिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, जो भी पब्लिक सप्लाई के लिए वाटर यूज किया जाता है वो फिट होना चाहिए। ठीक है, फिट फॉर ड्रिंकिंग होना चाहिए। तो फिट फॉर ड्रिंकिंग अगर होगा तो उससे जो भी हेल्थ इम्पैक्ट जो है, जो भी हेल्थ के इशू हैं वो नहीं आएंगे अगर अच्छा होगा पानी। अगर अच्छा नहीं होगा तो उससे हेल्थ इशू आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि कलरलेस होना चाहिए वाटर, क्लियर होना चाहिए, ऑडरलेस होना चाहिए, स्पार्कलिंग एंड प्लीजेंट टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें होनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास जो इसकी जो टेस्टिंग है, हम बात करें वाटर की, हम फिजिकल टेस्ट करते हैं, केमिकल टेस्ट करते हैं, बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। ठीक है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं इसकी टर्बिडिटी देखते हैं, मतलब कितना उसमें जो पार्टिकल्स हैं कितने हैं, ज्यादा होंगे तो उसको हम यूज नहीं करेंगे। कलर हम देखते हैं, इसको टेस्ट करके हम देखते हैं इसकी आर्डर, इसकी बदबू हम देखते हैं, इसका टेम्परेचर हम देखते हैं फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में। केमिकल करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो हम इसकी पीएच वैल्यू देखते हैं, एसिडिटी देखते हैं, अल्कलिनिटी देखते हैं, हार्डनेस देखते हैं, क्लोराइड, सल्फेट्स, आयरन, नाइट्रेट, डिसॉल्व्ड सॉल्वेंट्स हम देखते हैं। देन बैक्टीरियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं बैक्टीरियल एग्जामिनेशन, जैसे कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जैसे कि ई कोली। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर्स आर टैंक्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर्स आर टैंक क्या होता है, जो सिंपली हम टैंक यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या फिर जो रिजर्वायर हम पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट रोल रहता है डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, जैसे कि हम बात करें प्रोवाइड सर्विस स्टोरेज टू मीट वाइडली फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स। जो भी फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स है उसको पूरा करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर का यूज करते हैं, जैसे कि फायर फाइटिंग एंड इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, जो इमरजेंसी में हम इसको यूज कर सकते हैं। देन इक्वलाइज ऑपरेटिंग प्रेशर, जो ऑपरेटिंग प्रेशर है उसको भी इक्वलाइज करते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर। जैसे कि यहाँ पे है एलिवेटेड वाटर रिजर्वायर, एलिवेटेड वाटर रिजर्वायर मतलब ये जमीन से ऊपर है, ये इसलिए बनाए होते हैं ताकि हम इसमें पानी पहले पंप से चढ़ा सकें और उसके बाद ये जो रिजर्वायर है ये इजली पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर सके ग्रेविटी के थ्रू। ठीक है, देन ये है हमारे पास वाटर सरफेस टैंक्स, ये है फायर वाटर टैंक और ये है हमारे पास वाटर टैंक्स। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर ट्रांसमिशन। अगर वाटर ट्रांसमिशन की बात करें तो वाटर ट्रांसमिशन का मतलब होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जैसे कि यहाँ पे सोर्स है पानी का, सोर्स से हमें इसको ले जाना जहाँ पे पब्लिक के रिक्वायरमेंट हमें होगी वहां तक ले जाना पानी, उसको हम बोलते हैं वाटर ट्रांसमिशन यानी वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि वाटर ट्रांसमिशन क्या होता है और वाटर को कैसे ट्रांसमिट जाता है। ठीक है, वाटर ट्रांसमिशन रेफर्स टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब सिंपली ट्रांसपोर्ट करना वाटर को फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, सोर्स से लेके ट्रीटमेंट प्लांट तक और ट्रीटमेंट प्लांट से लेके जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है वहां तक पानी को ले जाना, उसको बोलते हैं वाटर ट्रांसमिशन। ठीक है, वाटर ट्रांसमिशन हम दो तीन तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कि एक तो ग्रेविटी सिस्टम है, ठीक है, ग्रेविटी फ्लो से पानी फ्लो करेगा, एक पंपिंग सिस्टम है और एक है कॉम्बिनेशन इसका ग्रेविटी फ्लो का एंड पंपिंग का। ठीक है, तो जो ग्रेविटी फ्लो है फ्री फ्लो कंड्यूट्स इसमें होती है जिसमें पानी सिंपली फ्लो करता है, पंपिंग सिस्टम मतलब प्रेशराइज्ड पाइपलाइंस हमारे पास होती हैं जिससे पानी फ्लो करता है, एंड तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ग्रेविटी सिस्टम भी होता है पंपिंग सिस्टम भी होता है। आगे हम इसकी पिक्चर्स देखेंगे आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ये चीजें होती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट है वो हम देखने वाले हैं, जैसे कि फॉर स्मॉल कम्युनिटी वाटर सप्लाईज थ्रू प्रेशराइज्ड पाइपलाइंस आर मोस्ट कॉमन। ठीक है, तो स्मॉल कम्युनिटी में हम प्रेशराइज्ड पाइपलाइंस यूज करते हैं, दैट मींस पंपिंग सिस्टम हम यूज करते हैं। ठीक है, एंड दे आर नॉट वेरी लिमिटेड बाय द जियोग्राफी ऑफ द एरिया टू बी
देन फ्री फ्लो कंडक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसको हिली एरियाज में मोस्टली इसको यूज किया जाता है, इसको प्लेन एरिया में यूज किया जाता है प्रेशराइज्ड सिस्टम को या फिर पंपिंग सिस्टम को। फ्री फ्लो कंडक्ट्स को मोस्टली प्रेफर किया जाता है हिली एरियाज में क्योंकि वहां पे स्लोप रहता है, स्लोप की वजह से हमारे पास जो पानी है वो फ्रीली फ्लो करता है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेथड्स हैं ट्रांसमिशन ऑफ वाटर के या फिर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड्स हैं जिनसे हम पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया ग्रेविटी फ्लो की वजह से। ठीक है, दूसरा हमने किया पंपिंग एंड तीसरा हमने किया कंबाइंड, जिसमें ग्रेविटी फ्लो भी आता है पंपिंग सिस्टम भी आता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेविटी फ्लो मतलब पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है, तो यहाँ पे सोर्स है वाटर का, ये सिंपली पानी यहाँ से पाइपलाइन लगा दी, सिंपली ये जो भी है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हमने जहां तक डिस्ट्रीब्यूट करना था सिंपली ग्रेविटी की वजह से फ्लो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे स्लोप है। ठीक है, पंपिंग सिस्टम में अगर हमारे पास यहाँ पे वाटर का सोर्स है, ठीक है, तो वाटर का सोर्स है यहाँ से हमने पानी यहाँ तक लाना है, तो यहाँ पे ये पानी नीचे है, इसको ऊपर लाने के लिए हमें पंप्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पंप्स के थ्रू हम ला सकते हैं अपने टाउन वगैरह में। ठीक है, ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम में जैसे कि ये है, ये पानी अगर हमने लाना है यहाँ तक लाना है यहाँ तक लाना है तो यहाँ पे हम पंप्स यूज करेंगे और ये वाला पानी जो यहाँ से आएगा, ये वाला पानी अगर यहाँ से आएगा तो ये सीधा ही हमारे पास आ जाएगा ग्रेविटी के थ्रू। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। आपको सिंपली क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, वहां पे लिखना है आरपीएन शर्मा, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो वही सिंपल वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। तो जैसे कि हमने बताया कि वाटर का सोर्स रहता है, सोर्स से पानी पंप किया जाता है ट्रीटमेंट प्लांट में, ट्रीटमेंट प्लांट से पानी को फिर पंप किया जाता है स्टोरेज टैंक में, स्टोरेज टैंक से फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जहाँ पे भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है लोकेलिटी में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड पाइप्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड पाइप्स होती हैं, सर्विस रिजर्वायर होते हैं, इसमें हमारे पास पंप्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, एंड व्हिच डिलीवर्स वाटर फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लांट टू द कंज्यूमर, ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट से कंज्यूमर तक पानी हम पहुंचा सकते हैं। एंड हम बात करें जो वाटर डिमांड रहती है वो हाईली वेरिएबल रहती है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हम बात करें वाटर डिमांड की तो वो हाईली वेरिएबल रहती है, लेकिन सप्लाई जो है सप्लाई मोस्टली क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। जो सप्लाई रहती है नॉर्मली क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है, दस हमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इंक्लूड करने होते हैं, जो स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं वो इंक्लूड करने होते हैं, मस्ट बी कैपेबल ऑफ फ्लेक्सिबल ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर हम ये जो स्टोरेज टैंक्स अगर नहीं बनाएंगे तो जो हमारी फ्लक्चुएशंस हैं वो हमारी पूरी नहीं होगी, फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेआउट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ठीक है, तो हम लेआउट्स देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स होते हैं जिस तरीके से हम पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक गिवन कम्युनिटी में, तो उसके लेआउट्स हमारे पास दिए हुए हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि फर्स्ट है डेड एंड ट्री सिस्टम। डेड एंड ट्री सिस्टम में सिंपली एक ट्री वाली शेप की तरह पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि ये एक है, ये हमारे पास मेन्स है, इसके बाद ये जो है ये हमारे पास सब मेन्स है, ये क्या है सब मेन्स है। ठीक है, सब मेंस के बाद हमारे पास जो है ब्रांचेस हैं। ठीक है, एंड ये कट अप वाल्व्स हैं। ठीक है, ये आ गया डेड एंड ट्री सिस्टम। ठीक है, मेंस मेन एक ही रहती है और उसके बाद सब मेन और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटरी रहती है, ब्रांचेस रहती हैं। ठीक है, दूसरा है ग्रिड आयरन सिस्टम। ग्रिड आयरन सिस्टम में भी हमारे पास जो मेन रहता है, मेन एक ही रहता है, उसके बाद हमारे पास जो रहती है सब मेन्स रहती है, ये सब मेन्स हैं। ठीक है, मेन्स फिर आगे सब मेन्स और फिर रहती है जो है ब्रांचेस रहती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रेडियल सिस्टम रहता है। रेडियल सिस्टम में भी हमारे पास मेन्स एक ही रहता है और इसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर रहते हैं, चार डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर रहते हैं। जैसे कि एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया और चार डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर रहेंगे, उसके बाद बाकी हमारे पास जो रहेंगी ब्रांचेस रहेंगी। ठीक है, और फिर आ जाता है हमारे पास रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम में हमारे पास जो है जो मेन्स है वो ही पूरे एक सिस्टम को कवर करती है, एक रिंग की शेप बनाती है जिसको हम रिंग
सिस्टम, इसलिए ही हम इसको बोलते हैं। तो इसमें मेंस रहती है, उसके बाद सब मेंस रहती है, और फिर उसके बाद ब्रांचेस भी रहती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें एक रहता है डेड एंड सिस्टम और ट्री सिस्टम, ग्रिड एंड सिस्टम, उसके बाद रेडियल सिस्टम एंड देन रिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइप नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है। पाइप नेटवर्क एनालिसिस मींस पाइप का जो नेटवर्क है उसको एनालाइज करना, ठीक है। उसको एनालाइज करने के कुछ मेथड्स भी हैं, वो भी हम देखेंगे कौन कौन से मेथड हैं, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, पाइप नेटवर्क एनालिसिस इन्वॉल्व्स द डिटरमिनेशन ऑफ पाइप फ्लो रेट्स, ठीक है। तो इसमें हम डिटरमाइन करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं, पाइप फ्लो के रेट, ये दैट डिस्चार्ज हम फाइंड करते हैं, प्रेशर हेड्स हम फाइंड करते हैं, ठीक है। एट द आउटफ्लो पॉइंट्स ऑफ नेटवर्क द फ्लो रेट्स एंड प्रेशर हेड्स मस्ट सेटिस्फाई द कंटिन्यूटी एंड एनर्जी इक्वेशन, जो भी फ्लो रेट है और प्रेशर हेड है उनको सेटिस्फाई करनी होती है कंटिन्यूटी एंड एनर्जी इक्वेशन को, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं किसके लिए, जो भी हमारे पास पाइप नेटवर्क का एनालिसिस रहता है उसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि हार्डी क्रॉस मेथड जिसको हम लूप मेथड बोलते हैं, देन नोडल मेथड है हमारे पास, देन न्यूटन रैप्सन मेथड है, ठीक है। ये तीन मेथड हैं जो हम यूज करते हैं किसको एनालाइज करने के लिए, जो भी हमारे पास पाइप नेटवर्क एनालिसिस रहता है उसको एनालाइज करने के लिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। आपको सिंपली करना क्या है, आपको जाना है यूट्यूब पे, वहां लिखना है आरपीएन शर्मा, वहां से जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे और भी आपको काफी सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।